व्हाट्सअप गाइस, पिछली वीडियो में देखा था कैसे हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे हम वैलिडेट स्कीमा ले सकते हैं, कैसे हम कंटेंट को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा तो रॉ एचटीएमएल आया था, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था हमने वीव एचटीएमएल के थ्रू। आज हम देखेंगे कैसे हम प्रोटेक्टेड रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, किसी बंदे को रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे लॉग इन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ देखेंगे कैसे हम पैकेज का इस्तेमाल करते हैं लाइक व्यू टोस्टिफाई, जो क्या होता है प्रॉम्प्ट ओपन करने का काम करता है। लाइक आपको दिखाना है कि दिस इज लाइक आपका सक्सेस हुआ, वार्निंग हुआ, एरर हुआ, तो इन प्रॉम्प्ट को दिखाने के लिए तो इसका यूज करेंगे। हमने इसको इंस्टॉल किया था बट इसको हमने यूज नहीं किया था, तो इसको यूज करना सिंपल सा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो चीजें इंस्टॉल करनी है। पहले तो इंस्टॉल नहीं करनी, मतलब कॉपी करनी है और इसको यहाँ से लेना है। और आपको जाना पहले मेन डॉट जेएस, जो भी आपका प्लगइन्स होते हैं, जो भी आपके कंपोनेंट अगर आपको इंजेक्ट करने तो आपको यहीं से करने पड़ते हैं पूरी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करने, आप यहाँ पर टोस्ट नहीं आएगा। टोस्ट क्या है, बेसिकली टोस्ट एक फंक्शन है जो बताता है कि आपको किस तरीके टोस्ट भेजना है, लाइक टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट वार्निंग, टोस्ट डॉट इन्फो, ठीक है। हम यूज करेंगे टोस्टर का, जो क्या होगा बेसिकली कंटेनर होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन होती है। तो टोस्टर लिखना आपको, ठीक है, टोस्टर, टोस्टर मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिल रहा तो आप काम करो, इसके पास जाओ और देखो यहाँ लिख जाएगा व्यू टोस्टिफाई, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। ये टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बट हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। व्यू टोस्टिफाई अभी देखो तो ये क्या बेसिकली आपका पूरा डिफॉल्ट है, तो हमको इसको ही कॉपी करना है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या करना है, इसको ऐप डॉट यूज करना लगाना है। तो सिंपल लिख देंगे ऐप डॉट यूज, ठीक है। ऐप डॉट यूज में क्या करना है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमें ये स्टेटमेंट सिंपल लिख देना है, जो उतना भी लिखा हुआ है व्यू थ्री टोस्टिफाई, ओके। और आपको क्लोज कब करना है, ओके, पहला तो होता है आपका प्लगइन कौन सा है। तो मेरा प्लगइन जो है व्यू थ्री टोस्टिफाई है। एंड सेकंड थिंग, आपके प्लगइन का ऑप्शंस क्या है। मेरा प्लगइन का ऑप्शन है ऑटो ऑटो क्लोज, मतलब कि कितने सेकंड बाद क्लोज होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको 2 सेकंड बाद कर दूंगा, जिससे क्या होगा 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहीं में अटका रह जाएगा और हमें वो दिक्कत देगा, ठीक है। अभी इसको टेस्ट करते हैं कि काम भी कर रहा है या नहीं है, मतलब हमने बेफालतू में लगा दिया, ये भी तो चेक करना होता है। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे कहीं पे रजिस्टर वाले पे। तो इंपोर्ट करते हैं टोस्ट फ्रॉम व्यू, ओके, इसको ही कॉपी करना पड़ेगा लगता है। तो व्यू थ्री टोस्टिफाई को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। अभी क्या करते हैं, टोस्ट को उठाते हैं और अपने यहाँ पर जब हमने अलर्ट किया था, अलर्ट के बाद लिखते हैं टोस्ट डॉट सक्सेस। सक्सेस एक फंक्शन है इसके अंदर, देखो सक्सेस आ रहा है, बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे लाइक रजिस्टर सक्सेस फुली सिंपल सा। तो ये कहना था हमें, अगर अभी हम देखें कि ये वर्क कर भी रहा है नहीं, तो सबसे पहले चाहिए रजिस्ट्री पास, एक बंदे को रजिस्टर करते हैं, मतलब कि सिंपल सा उसमें नाम, ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, जिससे मालूम पड़ेगा कि बंदर हमारा, जो बंदा है हमारा, रजिस्टर हुआ या नहीं, ठीक है। अभी मेरा फंक्शन लोड ले रहा है बिकॉज मेरी डिपेंडेंसी ऐड हो रही है, तो ये टाइम लेता है। देखो अभी देखोगे तो कहीं ना दिखाएगा कि आपने डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ऐड हुई है, बट नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं सर, वो रीस्टार्ट करते हैं जिससे वो दिखाए चेंजेस हमारे कि न्यू डिपेंडेंसी ऐड हुई है इसके बारे में, ओके। बिल्ड कैंसिल होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानडेब अभी किया ये, तो अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तब तक क्या करते हैं हम, जब तक एक काम करते हैं, ये बंदा, ये चीज़ हमारे पास आ रही है, हम क्या करते हैं पहले एक रिक्वेस्ट मारते हैं कि हमारा काम कर भी रहा नहीं एपीआई, मतलब एपीआई 3 दिन हो गए, शायद बिगड़ गई हूँ या फिर खराब हो गई हो, देख लेते हैं उनको, बस खराब होती नहीं है कोई एपीआई, ओके। अभी क्या करते हैं एपीआई, ये थी हमारी पोस्ट की, ठीक है। आप कलेक्शन नहीं बनाते हो, लेकिन कलेक्शन दिख रहा है, कलेक्शन बना सकते हो, बट हम कलेक्शन नहीं बना रहे अभी। अभी सिंपल है, रजिस्टर करना है मेरे को बंदा, ऐसे भी हो गया वो, ठीक है। ये करना था मेरे को, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ओके। पासवर्ड डाल दिया मैंने, लाइक डाल देता हूँ कुछ भी, लाइक UI@1234 ये डाल दिया। बेसिकली पासवर्ड तो अच्छा नहीं है बट डालते कृष्णा 1 डालता हूँ, शायद ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, तो चेक करता हूँ कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या ईमेल मेरी। सो ईमेल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, टाइमिंग ले रहा है, या ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सॉरी। तो मैं क्या करना पड़ा, दूसरी ईमेल डालता हूँ और आप टेस्ट करता हूँ। तो कनेक्शन रिफ्यूज हो गया बिकॉज 3000 पे था, मेरा 8000 जरूर चल रहा है, ठीक है। अभी कभी कंफ्यूजन होता है, अभी डाला तो हमारा आगे नॉट फाउंड, और ये था पोस्ट रिक्वेस्ट थी, तो पोस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज नॉट अलाउड, तो मैंने गलत डाल दिया, पास डाल दिया मैंने, पासवर्ड था वो। तो अभी मैं देखूंगा तो इसको मेरे को मिल गया यूजर रजिस्ट्रेशन, तो हमें यही रिक्वेस्ट करनी है बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि काम कर भी रहा है, तो अपना ऐप चला बट एरर के साथ, तो एरर क्यों आया वो चीज़ देख लेते हैं एक बार कि एरर आया क्यों।
उससे पहले से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन कुछ कह तो नहीं रही। हाँ डॉक्यूमेंटेशन सही है इसकी, बिल्कुल सक्सेस है। हाँ तो यही चाहिए था मुझे भी, बट अभी एरर आ रहा है। एरर क्या है हमारा? ओके एक बार यहाँ देखते हैं कि यहाँ एरर क्या आ रहा है। ओके देखा आपने, यहाँ पे आया ऑप्टिमाइज डिपेंडेंसी चेंज, मतलब कि कोई ना कोई डिपेंडेंसी ऐड होती है तो बताता है कि आपका व्यू, कि आपकी कोई डिपेंडेंसी ऐड हुई थी, वो ये दिखा रहा है न्यू डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइज व्यू 325। बट ये अभी वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। या वर्क किया हमारे, ब्लॉक फेच हो गए। अब क्या करते हैं, लॉग इन करते पहले, मैं लॉग इन पेज पर जाते हैं, उसके बाद साइनअप पे, देन डालते हैं कुछ भी लाइक कृष्णा हरी एट द रेट gmail.com और पासवर्ड डाल दे कुछ भी ey@123। लॉग इन किया, ये आ गया, और बस एक आ गया, देखो ये आ गया ना रजिस्टर सक्सेसफुल। तो यही चीज चाहिए थी बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए था। ओके अब क्या करते हैं, इसको फास्ट काम करते हैं। तो फास्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरे को हटाएंगे, क्योंकि हमें पता है डेटा आ रहा है, अच्छी बात है। ट्राई कैच, बिकॉज कोई एरर आएगा तो हम एरर को हैंडल कर पाएंगे। ओके तो ट्राई कैच करते हैं। जब बैकएंड में काम करते हैं तो हमें एसिंक एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है, जब हम फ्रंट एंड में काम करते हैं तो हम इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ओके एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह पर्पस अलग अलग होता है, किसी का पर्पस सेम नहीं होता है। ओके तो टोस्ट डॉट एरर, अब जो एक्सेस का एरर होता है, मैंने बताया था आपको एरर कैसे आता है, तो ई डॉट कैसे आएगा, रेस्पॉन्स सॉ डेटा डॉट मैसेज, अगर कोई एरर आना होगा तो ऐसे आएगा। ठीक है अभी के लिए तो, और मैसेज के अंदर भी बहुत सारे आइटम्स लगा देखो तो हमने देखा था नॉट फाउंड, तो ये उसी के अंदर आएगा सारा कुछ, बट अभी के लिए हम देख लेंगे। और अभी क्या करते हैं, एक्सियोस में रिक्वेस्ट करते हैं, तो कॉन्स्ट रेस अवेट एक्सियोस लेते हैं। तो एक्सियोस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एसिंक कर लेंगे, क्योंकि हम अवेट का यूज कर रहे हैं, तो एसिंक फंक्शन बना लेंगे इसको। और यहाँ पर इसको एक्सियोस इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, एक्सियोट नहीं होता, एक्सियोस होता है। अब अगर एक्सियोस रिक्वेस्ट करना है तो एक्सियोस, आप जो रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट तरीके की थी, अगर आपने देखा होगा तो अभी मैंने रिक्वेस्ट की थी पोस्ट की थी। बेसिकली यहाँ कोड नहीं मिलता, बेटिक नहीं तो कोड मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता कोड, कोई नहीं हम इसको बाद में देख लेंगे कोड को। एक्सियोस डॉट पोस्ट, जिसमें हमें रिक्वेस्ट करनी है, किस डॉट पर रिक्वेस्ट करनी है, इस वाले डॉट पर सिंपल सा, तो इसको कॉपी कर लो बिल्कुल, देन यहाँ पेस्ट करना हमें। ओके कॉपी नहीं हुआ, कोई नहीं इसको दोबारा कॉपी कर लेंगे। ओके एंड अब थर्ड वन क्या भेजना, ये पोस्ट है, तो अब वो सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो डेटा होगा, कि हमें डेटा क्या भेजना, डेटा हमारा ई के अंदर है, ई क्या हमारा ऑब्जेक्ट, और जो हमें ऑब्जेक्ट ही भेजना था ऐसा जेसन, ये क्या करेगा ऑटोमेटिक उसको जेसन में पार्स कर देगा, हमारे कुछ जरूरत काम की नहीं है इसमें। सेकंड कन्फिग्रेशन, तो यार कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ जरूरत नहीं, लाइक हेडर्स कुछ नहीं भेजना हमें, लाइक कोई कुकीज नहीं भेजनी, तो कुछ भी तो ऐसा सिस्टम है नहीं अभी के लिए तो। ओके कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रेस डॉट डेटा, डेटा क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है अवेट होगा, जो हमारा क्या हुआ यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली ऐसा कुछ आएगा। ओके अवेट, यानी कि ये जो मैसेज आ रहा था यूजर रजिस्टर वो डेटा के अंदर आएगा, तो डेटा डॉट मैसेज करना मेरे को। ठीक है तो अब क्या करते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस करते हैं यहाँ पर, लेट टोस्ट डॉट सक्सेस डेटा डॉट मैसेज, सिंपल सा। ठीक है और अभी एक चीज बताऊं, जो रीसेट फॉर्म था ये अब यहाँ काम आएगा, मतलब जब डेटा पूरा रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाए, क्या कर दो रीसेट कर दो फॉर्म को बस, तो अपना ये यहाँ काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑन सबमिट हैंडल अच्छी तरीके से बन गया, बस इसको देखना टेस्ट करना है कि वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे एप्लीकेशन हमारा अच्छा बन जाए और एक रिफ्रेशमेंट में आ जाए। तो रिफ्रेश हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो एरर तो मेरे हिसाब से नहीं है। ओके रेस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, एक्सेस का जो भी पोस्ट होगा वो डेटा आ जाएगा जो रिटर्न कर रहा होगा, देन डेटा से उसमें एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको, डेटा के अंदर जो मैसेज हमें की, तभी क्या करते हैं इनको ना एक नल चेक करते हैं, अगर कोई नल आता है तो नलेबल कर देते हैं, जैसे कोई एरर नहीं आई अपनी एप्लीकेशन सही सलामत चलेगी। ओके अगर रिएट में होता तो बहुत लंबा एरर आता है, मैंने देखा होगा रिएट का एरर तो। ठीक है अभी कृष्णा करते हैं, कोई भी मेल डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, अभी ये लॉग इन आ रहा है, इसकी जगह चेंज करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर सक्सेसफुली। चेक करते हैं किस नाम से, kana@gmail.com के नाम से हमारा एक ईमेल आ जाना चाहिए था, तो वो हमारा आ चुका है और यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, तो यही हमें चाहिए था और ये काम हमारा हो रहा है। ये टेक्स्ट को चेंज करते हैं, तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता अंदर रॉकेट साइंस, तो इसमें करते हैं रजिस्टर। अब चलते हैं सेम काम को करने के लिए किसके पास, अपने लॉग इन के पास। अब क्या करना है, वो लॉग इन में ना ऑटोमेटिक जाना चाहिए, मतलब कि हम खुद नहीं भेजें, मतलब कि रजिस्टर हुआ और ऑटोमेटिक लॉग इन में स्विच हो जाए, तो ऐसा काम करने के लिए हम यूज करेंगे यूज राउटर का, इम्पोर्ट फ्रॉम
व्यू राउटर। अब व्यू राउटर के अंदर दो चीज मिलती है, यूज राउट और यूज राउटर। यूज राउटर जो होता है वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब फंक्शंस कैसे, लाइक गो बैक आपका, और फंक्शंस भी होते हैं। तो अभी शायद मेरे पास कुछ आ जाए, यूज राउटर। अगर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं, लाइक व्यू की डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि हर किसी को कुछ चीज याद नहीं रहती, तो राउटर डॉट व्यू जिस डॉट 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 कॉम डॉट ओ आर जी सॉरी। अभी यहाँ पर है गेट स्टार्टेड, इसमें हमें मिल जाएगा लाइक रिडायरेक्ट एंड एलियास। तो ये ना राउट्स दे रखे हैं, बट हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करने, नेविगेशन देते हैं, डाटा बाइंडिंग ये भी नहीं करना। ओके नेविगेशन गार्ड्स पुश नहीं पे, हमें ये वाला करना है यूज राउटर और राउटर के संग राउटर डॉट पुश। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इंस्टेंस बनाया इसका, और अब क्या करना है, राउटर डॉट पुश करना है। पुश करना है, किस पे पुश करना है वो चीज बता देंगे, राउटर डॉट पुश लॉग इन पे। ठीक है, लॉग इन क्या बेसिकली अपना राउट है, उस पर पुश कर देगा ये। अब देखते हैं वर्क कर भी रहा है या नहीं, तो एक और रजिस्टर करते हैं यूजर को, आपके सिंपल भी रजिस्टर करते हैं, देखते हैं क्या वो बंदा दोबारा रजिस्टर होता है, तो यार यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमारा एक काम अच्छी तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं कुछ और, लाइक कृष्णा किया, कृष्णा वन करते हैं अब। तो अब देखते हैं यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली और लॉग इन पर हमने उसको भेज दिया, तो यही चीज चाहिए थी हमें। अब लॉग इन करते हैं, लॉग इन पर अगर एक टोकन हमें मिलेगा तो वो चीज़ हमें देख लेंगे। अभी इसको कॉपी करो बिल्कुल, कहाँ जाओगे अपने लॉगिन के पास, कि लॉगिन के पास चलो। लॉगिन के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑन सबमिट हैंडलर था उसको ओवरराइड कर दो, इससे उस चीज़ें ले लेंगे कहाँ से, अपने रजिस्टर में से। क्या चीज़ लेनी है वो चीज़ देख लो बस, एक लेना है हमें राउटर लेना है, एक्सियस लेना है और व्यू टोस्टिफाई, ये तीन चीज़ जो चार चीज़ चाहिए थी हमें, क्योंकि यही चीज़ हमने ऐड की है, तो ये चीज़ चाहिए। लॉगिन में चलते हैं, लॉगिन में इनको डाल देते हैं सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक्स लॉगिन करना है, लॉगिन। अब बदले में क्या मिलेगा, हमें एक टोकन मिलेगा, अगर हम लॉगिन कर देखते हैं किसी बंदे को, लाइक इसी बंदे को लॉगिन करते हैं जो हमने इसको किया था। ठीक है, लॉगिन किए, इस पर जाना है अपने थंडर क्लाइंट पे, और ये लॉगिन की पेज होंगी यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, अभी देखते हैं इसको पुश करके सेंड किया, तो हमें क्या मिलेगा, एक लॉग इन सक्सेस यानी मैसेज मिलेगा और साथ साथ एक टोकन मिलेगा। तो हमें क्या करना है, मैसेज को हमें प्रिंट करना है, सेकंड थिंग टोकन क्या करना है, हमें स्टोर करना है किसमें, लोकल स्टोरेज में। तो वो चीज़ देखते हैं वो चीज़ कैसे होती है। लॉग इन में चलते हैं, लॉग इन में गए, अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डेटा डॉट मैसेज मिलेगा, ये तो हमें प्रिंट करना है। सेकंड थिंग क्या करना है, अब हमें लोकल स्टोरेज में कुछ पुश करनी है। अब देखो हमने यूज़ किया था, हमने पीनिया का, अब पीनिया का यूज़ कर रहे, अब पीनिया का यूज़ यहाँ आएगा कि लोकल स्टोर में पुश करना, लॉग आउट करना, तो वो चीज़ पीनिया का काम होगा। तो चलते हैं अपने स्टोर के पास, यूजर के पास। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं टोकन। टोकन क्या होगा बेसिकली, जो लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज। ओके, अगर आपको नहीं पता लोकल स्टोरेज क्या है, बेसिकली आप मान लो एक डीबी है जो आपको क्लाइंट साइड वर्क करता है। ओके, बेसिकली डेटाबेस जो होते हैं बैकएंड साइड वर्क करते हैं, बट ये ऐसा डीबी है जो आपको क्लाइंट साइड वर्क करता है। सेशन डीबी होता है, लोकल स्टोरेज होता है, और आपका इंडेक्स डीबी होता है। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज बेसिकली सेशन नहीं आ रहा, कोई नहीं। अभी देखो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करना है यहाँ से, तो हमें गेट आइटम। ठीक है, आप डालना की, कि आपकी जो लोकल स्टोरेज की है क्या है, मतलब मेरी मान लो कि टोकन है, अभी टोकन डाल रखा है मैंने। अगर वो नहीं होता तो सिंपल क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, नहीं होता तो एक स्ट्रिंग है अभी के लिए। ओके, अब क्या करना है हमें, सेट टोकन करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है किस नाम से, सेट टोकन के नाम से, सेट टोकन, जिसमें क्या आएगा, टोकन आएगा, और वो किस में सेट हो जाएगा, दिस डॉट टोकन इक्वल्स टू टोकन। ओके, और ये सेमी कोलन हटा दो यहाँ से, सिंपल सा। अभी क्या करना है हमें, ये वाला यूज स्टोर यूज करना है, कहाँ स्टोर यूज करना है, लॉग इन व्यू में। तो लॉग इन व्यू में गए, तो अभी देखते हैं क्या हमें लॉग इन व्यू में इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट करते हैं पहले, तो इम्पोर्ट यूज राउटर, यूज स्टोर कहाँ से करना है अपने, पहले तो पहले बाहर चलना है व्यू से, देन स्टोर में आना है, स्टोर में आने के बाद हमें करना है यूजर स्टोर, बस ये वाला था। अच्छा, इसमें व्यू जेस डॉट जेस आएगा मे बी। ओके, अगर हम इसको ऐप में देखें तो ऐप में कैसे यूज किया था वही सेम करना है, तो ओके हमें इसको डॉट जेस लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल कर देते हैं। अभी यूज स्टोर में आए, स्टोर को उठाया, अभी स्टोर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, इसको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट स्टोर
यूज राउट यूजर स्टोर। अब स्टोर के अंदर एक फंक्शन है क्या सेट टोकन का, तो वो करना है हमें डॉट सेट टोकन, टोकन भेजना है क्या, टोकन क्या हमारा डेटा डॉट टोकन। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया ना कि टोकन भेजो किस तरीके का, तो टोकन भेज दिया हमने डेटा डॉट टोकन। अब टोकन कौन सा हुआ, ये वाला टोकन, तो ये वाला आएगा, ये सेट हो जाएगा और ये चीज चाहिए थी हमें। अब टोकन सेट तो होगा बट हमने फंक्शन गलत लिखा है, अभी फंक्शन हमने गलत लिखा है क्योंकि इसमें तो होना ही होना है। सेकंड थिंग क्या करना है आपको, लोकल पहले दिस डॉट टोकन होगा, दिस कॉमा टोकन नहीं होगा, इससे गलत हो जाएगा अपना। ओके सिंपल क्या करना है, टोकन जो सेट होगा उसके बाद क्या करना है, उसको सेट भी करना है ठीक है। दिस डॉट टोकन में जाएगा ही जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट टोकन, लोकल स्टोरेज स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्या आइटम सेट करना है, टोकन। ये तो होगी की, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है अपनी जो टोकन आएगा वहां से ठीक है, इसको पहले करना है, देन उसके बाद हमें टोकन में सेट कर देना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये चीज चाहिए थी हमें, ये चीज हो चुकी है। अब जब टोकन सेट हो जाएगा उसका रीसेट फॉर्म हो जाएगा और उस पर पुश कर देगा स्लैश पे, अभी के लिए स्लैश पे कर देगा, डैशबोर्ड स्क्रीन नहीं है कोई भी ठीक है। तो अभी देखते हैं सही चल रहा है या नहीं, तो इसको एक बार चला के देखते हैं, तो लॉग इन अपना सही चलना चाहिए ठीक है। सेट टोकन सक्सेस, या अभी देखते हैं वर्क करता है नहीं, तो अभी वो रिफ्रेश करते हैं एप्लीकेशन को, एरर आएगा तो एरर को सॉल्व कर लेंगे ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है ठीक है, लॉग इन पर अभी देखते हैं, पहले पे हमारे जो ब्लॉक्स से गेट हो रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन अभी अच्छी चल रही है, लॉग इन करते हैं। लाइक अभी लॉग इन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था वही यूज कर लेते हैं दोबारा, लाइक ये वाला यूज किया था, इनको यूज कर लेते हैं कृष्णा ये वाला। ओके एंड यू आई एट द रेट 1 2 3 4 5 ठीक है। अब पासवर्ड क्लिक किया एंड लॉग इन किया, तो लॉग इन भी हो गया और अपने सक्सेसफुली आ गया। क्या देखते हैं कि अपना ऐसे उसमें किसमें उसके अंदर हमारा टोकन सेट हुआ नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन चलते हैं लोकल स्टोरेज, तो हमारा टोकन नाम की एक सेट हो चुकी है अगर आप देखोगे तो, सो ये रही, तो यही हमें चाहिए था। अब क्या करना है, देखो जब हमारा बंदा लॉग इन हो जाए तो लॉग इन का कोई काम नहीं चाहिए, तो लॉग इन के काम नहीं होना चाहिए, तो हमें इस पे आना है ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, लोकल स्टोर पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा नैप बार है, अब नैप बार पर कंडीशन आएगी जब अगर टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो तुम वहां पर घूम क्यों रहे हो ठीक है। तो अपने यहाँ पर आए नैप बार में, नैप बार कंपोनेंट्स के अंदर, नैप बार में हमें चेक करना है कि अगर ऑलरेडी लॉग इन है तो यहाँ पर नीचे लॉग आउट देखना चाहिए, लॉग इन नहीं देखना चाहिए लॉग आउट। तो इम्पोर्ट करेंगे किसको, यूजर स्टोर को, ओके अब डेटा कहाँ से आएगा, स्टोर में से। ओके किस में से करना है, पहले बाहर चलो उसके बाद स्टोर में आओ, स्टोर्स में देन उसके अंदर यूजर स्टोर ठीक है। अब यूजर स्टोर का इंस्टेंस बनाना है हमें, तो इंस्टेंस बनाते हैं कॉन्स स्टोर इक्वल टू यूजर स्टोर। अब क्या करना है, कंप्यूट करना है कुछ चीज, अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस होता है तो उसमें दिखाए, तो कॉन्स टोकन इक्वल्स टू, यानी अगर टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं तो हमें बेसिकली हमें टोकन के हिसाब से चेक करना है, चेक तो हमें करना है यूजर के हिसाब से कि यूजर अगर है उसमें तभी वो दिखेगा, बट अभी हम टोकन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा अपना अपनी एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ हमारा वर्क कर रहा है ये कंप्यूटर, इसको मैं इम्पोर्ट कर लूंगा ठीक है। स्टोर के अंदर से क्या आएगा, टोकन आएगा स्टोर डॉट टोकन, अभी देखोगे तो टोकन नाम से ही की है इसके अंदर ये वाला, ये क्या होगा मेरा कंप्यूट होके आएगा, अगर कोई चेंजेस होता है तो वो चेंजेस मुझे दिखेंगे। इससे एक फायदा क्या होता है, कंप्यूट से बेसिकली आपको रियल टाइम चेंज मिलते हैं, अगर आप टू वे बाइंडिंग पूरी मिल जाती है इसके अंदर। ओके इम्पोर्ट कंप्यूटेड फ्रॉम व्यू, ओके अब टोकन चेक करते हैं, अगर टोकन है तो यानी कि बी इफ ऑफ नॉट ऑफ टोकन, यानी टोकन नहीं होता है तब ये चेक, तब ये देखना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या ये वर्क दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा, तो यही हमें चाहिए था। और अभी क्या करते हैं, इसको एक एलआई लेते हैं वो कि होगा लॉग आउट के लिए, तो सिंपल सा अभी हम उसको फंक्शनलिटी नहीं बनाएंगे बट अभी के लिए देखते हैं कि वो काम करना चाहिए बस अपना, तो लॉग आउट। और ये कब देखेगा, जब अपना एप्लीकेशन में टोकन नहीं, टोकन है ठीक है,
और इसमें ये क्या होगा, बटन होगा बेसिकली, राउटिंग लिंक नहीं होगा इसमें, बटन होगा सिंपल सा बटन। ओके बटन होगा, और इसको भी बटन कर लेते हैं, ये तो एरर देगा। ये बटन हो गया और ये अपना काम करना चाहिए। तो अभी देखते हैं, तो लॉगआउट आ गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने में क्या करना चाहिए, मेरे को टोकन मिलना चाहिए और मुझे लॉगआउट बटन आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, अब मेरा क्या हुआ, बंदा लॉगआउट मतलब लॉग इन है ये मालूम पड़ रहा है मेरे को। तो ये चीज़ चाहिए थी हमें। अब लॉगआउट की फंक्शनलिटी काम करते हैं, तो इसके लिए फास्ट काम करूंगा। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मेरे को रिमूव करना है बस। अब रिमूव कैसे करते हैं वो देखो, तो लॉगआउट कर लेते हैं, लॉगआउट बटन, लॉगआउट बटन की बटन, और इसमें इसको नीचे किया हमने। इसमें क्या होगा बेसिकली, कुछ इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल सा होगा कि इसमें क्या होगा, जो दिस डॉट टोकन है एक तो वो रिमूव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टोकन नहीं होता, टोकन होता है एक तो कॉम, ये आ जाएगा। और सिंपल सा क्या होगा, लोकल स्टोरेज। गैस बेसिकली मेरे में सेशन नहीं आ रहा, तो मेरे को स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो आप उसका टेंशन मत लो। रिमूव आइटम शायद रिमूव होता है या रिमूव आइटम होता है, ओके तो अभी शायद रिमूव आइटम होता है मे बी, या रिमूव आइटम होता है सॉरी। ओके अभी इसमें क्या टोकन को रिमूव करना है बस, ठीक है। और ये चीज़ जो फंक्शन लिखी थी, अब इसको हम यूज़ कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं हम यूज, क्योंकि हमने स्टोर का हमने बना रखा है क्या, एट द रेट क्लिक ऑफ, क्लिक में क्या करना है हमें, जो हमारा स्टोर है स्टोर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको फंक्शन बनाते हैं अच्छी तरीके से, वेल ट्रेन फंक्शन। तो कॉन्स्ट लॉग आउट एसिंक कर लेते हैं इसको, वैसे एसिंक की जरूरत है नहीं, बट इसको एसिंक नहीं करते, इसको सिंपल कर लेते हैं, एसिंक नहीं कर रहा इसको मैं कुछ, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो अपना स्टोर है, स्टोर के अंदर क्या है, लॉगआउट बटन है, इसको कॉल करा दो बस। लॉगआउट बटन क्या है, ये वाला, तो लॉगआउट बटन आ जाएगा यहाँ से एज एक्शन के थ्रू। ओके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे पर, और ये सही तरीके चल रहा है। और एक को यहाँ पे इक्वल लगाना है मेरे को, नहीं तो एरर आ जाएगा। और सबसे क्या करना है, टोस्ट लाना है, टोस्ट क्या कि लॉग आउट सक्सेस, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है अच्छी तरीके से। इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम कहीं से ले लेता हूँ, तो व्यू थ्री टोस्टिफाई के, टोस्ट को उठाते हैं यहाँ से, और टोस्ट को डॉट सक्सेस लाइक लॉग आउट सक्सेस। इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं, तो बेटर बनाने के लिए करेंगे इसको ट्राई कैच में डाल देंगे, सेपरेट हैंडलिंग कर लेंगे इसकी, तो इसमें आ जाएगा टोस्ट डॉट एरर ए डॉट मैसेज, क्योंकि इसमें कोई हमने एक्सेस का यूज नहीं किया, तो इसमें ए डॉट मैसेज भी आ जाएगा जो आना होगा। ओके और सिंपल सा इसमें डाल दिया। अब लॉगआउट को कहाँ यूज करेंगे, अपने यहाँ पे बस, टोकन रिमूव हो जाएगा हमें। अब टोकन रिमूव होगा उससे क्या होगा, देखो अभी टोकन रिमूव हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंजेस दिख जाएंगे, कहाँ देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने कंप्यूटर यूज किया है शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो लॉगआउट पर हमने क्लिक किया, तो लॉगआउट तो हुआ, स्टोर लॉगआउट बटन इज नॉट अ फंक्शन। A few moments later. Basically, आपको एप्लीकेशन रिफ्रेश करना है, क्योंकि आपने जो टोकन, अब जब हम स्टोर में कुछ चीज चेंजेस करते हैं तो स्टोर को पता नहीं होता, उसको हम रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसको मालूम पड़ता है कोई फंक्शन है। अगर हम लॉगआउट बटन करते हैं तो अब लॉगआउट हो चुका है, और एंड टू एंड यहाँ पे लॉगिन बटन भी आ चुका है, तो अब ये काम भी कर रहा है। तो ये चीज हमें चाहिए थी और चीज काम भी कर रही है, तो यही इस तरीके से हमारा एक पूरा ब्यूटीफुल तरीके से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ। बट आपको क्या करना है, एक डैशबोर्ड बनाना जिसमें मार्कडाउन एडिटर होगा, एक टाइटल इमेज डालने के लिए टैग होगा, तो ये चीजें हमें काम करनी, तो ये आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मीवन स्टैक का प्लेस फॉलो नहीं किया है तो मीवन स्टैक का प्लेस फॉलो कर लो, उसी के साथ अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।